हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कड़ा प्रसादा, जैसा कि गुरुद्वारे में मिलता है। मुझे तो वो बहुत पसंद है, मैं तो वो बचपन से खाती आ रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये देसी घी, ये मेरे पास अमूल का है, आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए चाहिए 4 इंग्रेडिएंट्स: 1 कटोरी घी, 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी चीनी। इसमें और हलवे में यही फ़र्क है कि इसमें चारों इंग्रेडिएंट्स सेम क्वांटिटी में लेते हैं, नॉर्मल हलवे में तो ज़्यादा पानी डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम घी गरम कर लेंगे कढ़ाई में, उसके बाद डालेंगे आटा और उसको अच्छे से हिला लेंगे, पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और फिर इसको कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे जब तक ये सुनहरा ब्राउन ना हो जाए। इसको लगभग 4-5 मिनट लगते हैं अच्छे से ब्राउन होने में। इसमें अब बहुत सुंदर कलर आ गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ में बॉईल कर लेंगे पानी। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कटोरी गरम किया हुआ पानी। पानी डालते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि इसके छींटे बाहर आ जाते हैं, और फिर पानी डाल के इसको अच्छे से हिलाएं। तब तक हिलाएं जब तक ये बिल्कुल एक जैसा ना हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी, ये अब मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी चीनी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तब तक मिक्स करें जब तक चीनी बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती इसमें। ये देखिए अब कितना अच्छा कलर आ गया है। ये हो गया हमारा कड़ा प्रसादा रेडी। आप भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना। ओके बाय।